हे गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू एपिसोड। एंड कैसे हो भाई, उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होगा। तो यार भैया जी, आज अदीप भाई का बर्थडे यार, भाई के लिए करनी है शॉपिंग। तो यार मिलते हैं यहाँ से शॉपिंग करते हुए सीधे मार्केट पे। आए थे किशन भाई की दुकान पे और सामान लिया अपनों ने, और ये ले लिया सामान सारा। अदीप भाई के बर्थडे की तैयारी चल रही है, तो भाई जल्दी से पैक कराते हैं फिर निकलते हैं। अभी दूसरा सामान भी लेकर आना है, अभी केक भी लाना है और भी बलून वलून लेके आने, काफ़ी तैयारी करनी है, सरप्राइज देना है भाई को शाम को तगड़ा वाला। तो भैया जी, मैंने सुबह सामान ले लिया था, दीप भाई का बर्थडे था तो मैंने सरप्राइज कर रखा है उसके लिए। तो यार मैं पहुंच चुका था बाजपुर और मैंने अजय भाई को फ़ोन किया, क्योंकि यार मुझे ना केक का कलेक्शन इतनी अच्छा तरीके से आता नहीं है। तो मैंने अजय भाई को बोला था कि अजय भाई आओ यार, थोड़ी मेरी हेल्प करो, क्योंकि अभी ना काफ़ी सामान लेना है मैंने, बलून लेने हैं, कैप लेनी है और केक लेना है, और केक के बारे में मुझे इतना पता नहीं है। तो मैंने अजय भाई को फ़ोन किया था, तो अजय भाई आने वाले थे। वो भाई, अरे अजय भाई भी आ चुके। अबे भाई, अरे दीप भाई को क्यों ले आए तुम? अबे यार भाई, मैंने इनके लिए सरप्राइज रखा था बर्थडे का, तुमने सब बता दिया इनको क्या? यार मुझे क्या होना था, ब्लॉगिंग करनी है तो मैं फटाफट लेके से आ गया। यार मैं तो समझ रहा कि यहाँ पर हैप्पी बर्थडे भाई। तो यार मैंने भाई को ना सुबह से बोला नहीं था, मैंने सोचा सरप्राइज था उसके। तो यार भैया जी ना सारा प्लान हो चुका है खराब यार, ये अजय भाई दीप भाई को लेके आ चुके थे। और पता है ना, सरप्राइज के चक्कर में दीप भाई को ना मैंने सुबह से विश नहीं किया था। तो यार ये भी मुझसे नाराज थे कि इनने मुझे बोला नहीं, तो मुझे यार दीप भाई भी बोल रहे कि तू बोल देता। तो चलो यार, भाई को पता लग गया तो यार भाई भी चूज करेगा कि कौन सा केक ले चले, और अजय भाई भी हमारी हेल्प करेंगे। जी पहुंच चुके हैं बाजपुर, और बाजपुर से भाई जाना सीधे साईं बेकर्स के पास। साईं बेकर से भाई हम हर टाइम वहीं से केक मंगाते हैं अपना, जिसका ये बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो यार हम साईं बेकर से ही केक लेते हैं। जी पहुंच चुके हैं साईं बेकर्स में, और साईं बेकर्स में हमसे पहले पहुंच गए अजय भाई यहाँ पे। नमस्कार भैया, कैसे हो? जितने मर्जी बनाओ, 3 पॉइंट का ही बन जाएगा। नहीं 3.5 पॉइंट का बनवा। तो भैया जी पता कर रहे हैं दीदी से, दीदी बताएंगे कौन सा फ्लेवर, क्योंकि भाई ये लोग भी आए, इनको भी पता नहीं है कि कौन सा फ्लेवर लिया जाएगा। तो भैया जी पहले हम बोल रहे थे पाइन एप्पल, और यहाँ पे सारा प्लान चेंज हो गया, दीदी ने बोला बटर स्कॉच, तो यहाँ से बटर स्कॉच कौन सा है? बढ़िया बढ़िया, देख रहे हो ठीक रखे हुए हैं, देख रहे हो जो फाइन टाइम ना केक थोड़ा सा भैया जो हमने सेलेक्ट किया है वो ये है। कितना प्यारा लग रहा है, अब इसको सजाया जा रहा है। कैंडल कितने के लेना बताओ? 31 साल, 32 साल, राज क्या है राज? तो भैया जी अपना केक हो चुका है पूरा रेडी और पैक हो चुका है, अब थोड़ा और सामान लिया जाएगा। ये ले लिए कैप लगा के दिखा रहा है, ये देखो भाई तेरे सर में तो हम यही रहने दे, तेरे सर में तो आली ने तेरे तो, ये देखो भाई केडी की एज, ये 5-2। अरे बाबा, तो भैया जी दीप भाई लिया है सामान, अब यहाँ से निकलते हैं। अपने साथ हो चुका है तगड़ा ही स्कीम, हमने बोला सेलिब्रेशन में जाके कुछ खाते पीते हैं, सेलिब्रेट करते हैं बढ़िया करके। तो यार भैया जी वहाँ से ना सेलिब्रेशन वाली जो शॉप थी वहाँ से कहीं और जाके शिफ्ट हो चुकी है वो, और वहाँ से अपने सामान ले लिया है, और अब देखते हैं भाई अगर रस्ते में कुछ पसंद आता है कुछ खाते पीते हैं। यार गला भी सूख रहा है ब्लॉगिंग करते करते, तो भैया जी एक मन कर रहा है कि गन्ने का जूस पिया जाए। और बिना देरी करते हुए तुम्हारे भाई ने लगा दी गाड़ी यहाँ पे, 3 गिलास जूस लगा दो भैया जी। यहाँ पे आ चुका है हमारा गन्ने का खून, क्या बोलते थे पेटीज। तो यार भैया जी पेटीज देखी, पहले खाने का मन कर रहा था, तो ये पनीर वाली पेटीज हैं, तो दीप भाई से जिद करके ना मैंने मंगाई ली, तो दीप भाई ने आखिरकार पेटीज मंगा ली। निकलता है चल रही है डेकोरेशन, और यहाँ पे सभी बच्चे पार्टी अपनी यहाँ पे। तो बच्चों लोगो किसका बर्थडे है आज? भैया का। नाम क्या है? दीप। तो भैया जी इस टाइम ब्रांडी हमारा दीप भाई का वेट कर रहा है, तो दीप भाई आए नहीं, तो ब्रांडी इस टाइम रेडी हो चुके हैं। तो भैया जी हम भी यहीं पर ही हैं, और ज्यादा लाइट है नहीं, क्योंकि यार इस टाइम ना आज भाई लाइट भी बहुत डिम चल रही है, कभी फुल आ रही है कभी डिम आ रही है, इसलिए यार फोटो भी क्लियर नहीं आ पा रही है, और काफ़ी यार देख रहे हो ब्लैक ब्लैक हो रखा है पूरा। अब यहाँ पे बड़ा सही है, तो यार लाइट थोड़ी आज प्रॉब्लम कर रही है। यहाँ पे आ गए हमारे बर्थडे बॉय, दूसरा बर्थडे बॉय, ये भाई देख रहे हो भाग गया। आ गए भाई प्यारा सा केक, दी केक काटने की तैयारी हो रही थी तभी लाइट भाग गई। आई डोंट नो व्हाट टू डू, मेरी किस्मत ही खराब है, मेरी किस्मत ही खराब है। भाई तगड़ा सीन हो गया, देख रहा हूँ पूरा अंधेरा कायम रहे, कुछ नहीं दिखाई दे रहा, वहाँ पे भाग गई लाइट। और तो टाइम पास करने के लिए लिया है हम ढोलक, थोड़ा से बजाते हैं और करते हैं भाई बर्थडे को सेलिब्रेट बढ़िया करके। तो भैया ब्लॉगर के साथ गायक कलाकार होना भी बहुत जरूरी है टाइम पास करने के लिए, सबसे बेस्ट चीज है ये दीपू के बर्थडे के लिए स्पेशल सॉन्ग। अच्छे से बजाना, मेरे गांव वाले बजा दे आज। सेक्टर जो पार का है बर्थडे जो आज मेरे यार।
बंद करो हाथ जोड़ के मैं। तो भैया लाइट का वेट करते हुए लाइट अभी तक नहीं आई, तो आगे इनकार भाई लाइटों का उजाला, फोन का लाइट का उजाला करके पूरे में भाई देख रहे हो आधी जल गई। ओ भाई मजा आ गया कर दिए भैया। राजू भाई आ गए हमारे यहाँ पे, आ जाओ भाई, इनका ही वेट चल रहा था। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू का बर्थडे दीप भैया की हो रही है भैया पूजा यहाँ। भैया अभी आ रही है बारी, अब दीप भैया में खिलाएंगे केक, फिर हमें खिलाते हैं केक। गिफ्ट कहाँ है, गिफ्ट अंदर रख देना मैंने अंदर। अरे वाह बच्चों मुझे पकड़ा दो, से मत दो। अरे पैसे भी भाई। अब है जो है वो समा है, तुम रह सके तो रबा है। अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी।